नमस्कार दोस्तों, टेक्सटार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे अमेजोन का एक काफ़ी कमाल के ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप में से बहुत से लोग यहाँ पर अमेजोन से प्रोडक्ट तो परचेस करते होंगे, वो चाहे ए टू जेड यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट होने दो, यहाँ पर हमें अमेजोन पर मिलता ही है। तो अगर आपको क्या यहाँ पर ये मालूम है कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बेच सकते हो अमेजोन पर, तो दोस्तों उसके लिए क्या प्रोसेस है तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैसे रजिस्टर करना है, आप कैसे प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, क्या आप ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। और यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर कैसे अमेजोन पर रजिस्टर करें, क्या प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं आप, प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए मेरा ये पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हमारे प्रोसीजर के ऊपर कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अमेजोन की वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ पर अभी मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही हूँ, यहाँ पर अभी अमेजोन की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्वाइप डाउन करते जाइए आप, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेक मनी विद अस। तो यहाँ पर सेल ऑन अमेजोन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें सिंपली स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं अभी। तो बस यहाँ पर, और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट डाल देना है, या अगर आपका अमेजोन का अकाउंट है तो ठीक बात है, नहीं तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर अमेजोन अकाउंट नहीं है। तो बस अभी ये प्रोसेस मैं यहाँ के लिए स्किप कर रहा हूँ। अभी बस यहाँ पर मेरे रजिस्टर होने के बाद कुछ यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिल जाएगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको अभी कंपनी का नाम या आपका फिर कोई भी बिजनेस का नाम है यहाँ पर वो एंटर कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पर सिंपली मेरा नाम एंटर कर देता हूँ, जेनिल। तो बस यहाँ पर बिजनेस आपको यहाँ पर एग्रीमेंट है, यहाँ पर ये पढ़ के आपको कंटिन्यू कर देना है और बस अभी आगे की प्रोसेस के लिए वेट कीजिए। और बस यहाँ पर हमारा रजिस्टर तो हो चुका है, अभी और बहुत सारी डिटेल्स मांगता है ये, वो भी हमें इससे देनी पड़ती है। तो अभी बस यहाँ पर हमें एक मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कराना है, तो दोस्तों ये प्रोसेस भी यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। तो बस अभी यहाँ पर हो चुका है हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई, तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं सेलर इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पर जो ये सारे ऑप्शन देखने हैं वो हमें यहाँ पर कम्प्लीट ही करने हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सिंपली हमको स्टोर का नेम डाल देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सिंपली स्टोर के नेम पर मेरा ही नाम लिख ले रहा हूँ, JENIL। और यहाँ पर सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत सारी दी गई है, आप यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो यहाँ पर आप ले सकते हो, आप भी जो प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं सिंपली शूज़ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी अभी के लिए मैं फेक एड्रेस क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और एड्रेस लाइन यहाँ पर कोई भी फेक एड्रेस डाल देता हूँ। बस यहाँ पर कोई भी मैंने पैक एड्रेस अभी यहाँ पर टाइप कर दिया और बस यहाँ पर सिंपली हमें कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ पर टेल अस अबाउट योर बिजनेस, स्टोर नेम इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर स्टोर नेम नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ अलग लेना पड़ेगा, जैसे वो इंस्टाग्राम पे यूजर नेम हम डालते थे, यहाँ पर भी मुझे लगता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लोचा है। तो बस स्टोर नेम पे मैं जनरल तो लिखता हूँ, आगे और कुछ नंबर भी टाइप कर देता हूँ और बस अभी ये एक बार ट्राई करके मैं देखता हूँ, कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये तो मेरे ख्याल से हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर स्टोर एड्रेस पर यहाँ पर एंटर पर क्लिक कर लिया हमने और बस यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये आगे की प्रोसेस कर रहा है, तो हमें वेट करना है टैक्स डिटेल्स। तो यहाँ पर प्रोविजनल GST.in है, तो यहाँ पर आई विल अपडेट लेटर पर यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत रियल में सच में नाम मांग रहा है। तो बस यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ मैं और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर हमें अभी प्रोडक्ट की कैटेगरी हमें बतानी है, क्या हम सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बुक्स मैं एक तो क्लिक कर लेता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वीडियो गेम्स, यहाँ पर फर्नीचर और बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरी हमें दी गई है। और अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर नहीं है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वो भी अभी मैं अनक्लिक कर देता हूँ उसे। तो बस यहाँ पर वेयर डू यू गेट प्रोडक्ट फ्रॉम, आई मैन्युफैक्चर देम और आई इम्पोर्ट देम, तो मैं यहाँ पर आई इम्पोर्ट देम कर लेता हूँ। वॉट इज़ योर एनुअल टर्नओवर, तो ये यहाँ पर हमारी टर्नओवर भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर एनुअल मतलब एक साल की टर्नओवर पूछ रहा है,
तो यहाँ पर मैं 5,000 से 20,000 पर रख लेता हूँ। और ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल सप्लाई, तो यहाँ पर माई कैटेगरीज नॉट हेयर पर क्लिक कर लेना है। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स डू यू सेल, सिलेक्ट एन ऑप्शन, तो यहाँ पर बस 5 प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर लेता हूँ। डू यू सेल इन अदर वेबसाइट्स, यहाँ पर नो कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और बस आगे के लिए हम प्रोसेस कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है हाई जनरल 1 2 3, यू आर ऑलमोस्ट देयर प्रोडक्ट्स टू सेल। तो यहाँ पर हमें जो कि मैंने अभी प्रोडक्ट्स क्लिक किए थे, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वीडियो गेम्स, फर्नीचर, और अभी यहाँ पर स्टार्ट लिस्टिंग पर मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ। तो यहाँ पर ये स्टार्ट लिस्टिंग का ऑप्शन कैंसिल करते हैं हम। और यहाँ पर अभी बहुत सारे यहाँ पर शिपिंग फी डिटेल्स हमें दी गई है। तो यहाँ पर जो कि हमें फीस, जो कि ये लोग कहाँ, तो ये लोग आपके पास खुद आकर अमेजोन वाले आपके प्रोडक्ट्स यहाँ से लेंगे और डिलीवर करेंगे, या फिर यहाँ पर आप करना चाहते हो उसे खुद ही डिलीवर। तो यहाँ पर सभी रेट्स भी दिए गए हैं, हम वो पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो कि हमें यहाँ पर हमें शिपिंग फी डिटेल्स के सेट रेट्स के ऊपर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर, वो सब सबसे पहले तो वो फ़ोन नंबर वेरीफाई कराना है यहाँ पर। तो अभी बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें शिपिंग, शिप्स फ्रॉम लोकेशन, शिपिंग कंट्री यहाँ पर इंडिया ही सिलेक्ट है, एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आप दूसरे कंट्री से हो। तो अभी बस यहाँ पर हैंडलिंग टाइम, डिफॉल्ट हैंडलिंग टाइम यहाँ पर 1 to 2 दिन है दोस्तों। और यहाँ पर शिप थ्रू, यू आर करंटली शिप थ्रू बोथ इजी शिप एंड सेल्फ शिप। तो यहाँ पर इजी शिप मतलब जो कि अमेजोन खुद आपके पास आएगा और आपके प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। और यहाँ पर सेल्फ शिप मतलब यहाँ पर जो कि आप खुद जाकर आपके प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो। और यहाँ पर हम इजी शिप के ऊपर देखें तो जो कि अमेजोन आपसे प्रोडक्ट पर चार्ज करेगा। तो अभी यहाँ पर जो हमें एक टाइम टेबल मिल गया है, सारे हमारे इंडिया के यहाँ पर स्टेट्स बता दिए और डिलीवरी टाइमिंग बता दिए, 1 से 3 दिन में डिलीवर करना है। और यहाँ पर शिपिंग फीस अभी भी 0 आ रही है प्री ऑर्डर पर आइटम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं, और एडिट पर हमें क्लिक कर लिया है। और एडिटिंग के लिए हमें यहाँ पर जो कि प्राइस, ब्रांडेड, वो सब भी एडिट करना ही है। और यहाँ पर हमें प्राइसिंग भी एडिट करनी है शिपिंग के लिए। तो पर ऑर्डर पे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 30 रुपीज़ हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो बस ये 30 रुपीज़ सेट हो चुका है और 10 रुपीज़ पर आइटम डाल देता हूँ। ओके, 10 रुपीज़ पर आइटम। और यहाँ पर केजी के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है कि सभी जो कि अलग अलग स्टेट्स में आपको जो भी डिलीवरी चार्जेस लगाने हैं, और यहाँ पर अगर आपको टाइमिंग चेंज करनी है 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन की टाइमिंग है अमेजोन के पास, तो यहाँ पर ये सारे स्टेट्स में आप ये प्राइसिंग सेट कर सकते हो। आप जो भी चाहे हुआ यहाँ पर आप प्राइसिंग आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिलीवरी में भी अलग अलग स्टैंडर्ड डिलीवरी, यहाँ पर जो कि कोई लंबा स्टेट हो आपके में 4 से 7 दिन का टाइमिंग आपको मिल जाता है। तो बस यहाँ पर ये पेज को कैंसिल कर लेते हैं। और बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होती है, ये सब मैं यहाँ पर नहीं डालता हूँ। और एंटर टैक्स डिटेल यहाँ पर जो हमें ऑप्शन में छोड़ा था, पैन कार्ड नंबर और GST नंबर हमारा, डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका आपको कोड भी डालना है। और आपको एक सिग्नेचर भी करना है यहाँ पर जो कि डिजिटल सिग्नेचर होती है। और यहाँ पर बस लॉन्च और बिजनेस यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपको लॉन्च और बिजनेस कर देना है। ये सारी डिटेल्स करने के बाद मैं ये सब डिटेल्स अभी नहीं भर रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये सब बताया था, एक वीडियो बनाया था एग्जांपल के लिए, तो इसलिए मैं ये सब अभी नहीं कर रहा हूँ। तो बस यहाँ पर ये मैं, अगर आप लॉन्च और बिजनेस कर देंगे तो अभी फिर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी, उसकी आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के कुछ फोटोग्राफ्स, उसकी आइटम क्या सेट करना चाहते हैं, रेट्स क्या सेट करना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा लॉन्च और बिजनेस के बाद। और फिर यहाँ पर आपको ऑर्डर में आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, यहाँ पर आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करके आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका होगा दोस्तों अमेजोन पर। तो यहाँ पर अभी मैं लॉन्च और बिजनेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आगे प्रोसीड ही नहीं होगा क्योंकि मुझे डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। और ये वीडियो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया था आपको, एक अवेयरनेस के लिए कि यहाँ पर आप भी अमेज़न पर ये सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो।
तो यहाँ पर एक बार लॉन्च और बिजनेस करके तो देखते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है तो बस यहाँ पर। अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हो इसके लिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप भी मेरे वीडियो के थ्रू आप अमेजोन पर पैसे कमा रहे हो और बस यहाँ पर इंटरेस्टेड हो रियली में, तो सारी ये डिटेल्स फिल कर लो और बस यहाँ पर बन जाओ आप भी एक सेलर अमेजोन पर। बस आपको ऑल द बेस्ट यहाँ पर। अगर आपने ये वीडियो के थ्रू आप कोई अलग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो अमेजोन पर, तो आओ आपके फ्यूचर के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट करता हूँ। मैं आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों बस ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।